जय हिंद दोस्तों। रिपोर्ट राइटिंग का ये तीसरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ और आज जो क्वेश्चन है वो 2016 में आरएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को आज मैं डील कर रहा हूँ। दोस्तों अभी तक आपको समझ में आया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग मतलब रिपोर्ट तैयार करना। जैसे कि आप बहुत सारे रिपोर्ट्स का संग्रह होता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या होता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्टर होते हैं, क्रॉस्पोंडेंट होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग पर्टिकुलर न्यूज़ को वो भेजते हैं न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए। तो रोज़ आप रिपोर्ट को देख रहे हैं, वही रिपोर्ट आपको तैयार करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हर न्यूज़पेपर वाले जो आप पढ़ते हैं न्यूज़, उसमें ऊपर में लिखा रहता है कि किसके द्वारा तैयार है और ख़ास करके स्थान जरूर रहता है। तो आपको भी जब तैयार करना है तो स्थान, डेट और जिसने तैयार किया है उसका, यानी कि पेपर के जो लेफ्ट साइड में है टॉप पे, वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का जो जिस न्यूज़पेपर के लिए या जिस मैगज़ीन के लिए, जिस जनरल के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना नाम के साथ डालना है। और उसके बाद नीचे राइट साइड में आपको डेट और प्लेस, यानी प्लेस पहले बाद में डेट, और सबसे ऊपर टाइटल आपको रखना है। तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट तैयार करना बहुत आसान है, लेकिन बस ये है कि ग्रामेटिकली एक्सेप्टेंस हो आपका राइटिंग, इस बात का आपको ध्यान देना है। आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे न्यूज़पेपर रिपोर्ट को, और ये रिपोर्टिंग जो आपको मैंने सिखाया या लेटर मैं बताया, या अगले वीडियो से मैं फिर प्रेसिस राइटिंग भी आपको बताऊंगा, ये सारी फॉर्मेट आपको एक बार जानकारी होने के बाद आप बहुत ही ईज महसूस करेंगे। इसके बाद ऐसे लेटर भी आपको 300-300 वर्ड्स के मैं आपको लिखाऊंगा। कॉम्प्रिहेंसन जो यूपीएससी में पूछा जाता है कि कैसे कॉम्प्रिहेंसन को पढ़ने के बाद उसको आंसर राइट करते हैं, इसके बारे में भी प्रैक्टिस सैंपल पेपर के साथ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो जरा देखिए। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आरएस जनरल इंग्लिश 2016 में पूछे गए हैं। ये देखिए आरएस जनरल इंग्लिश 2016 के पूछे हुए सवाल हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू आर अ जर्नलिस्ट, आप एक पत्रकार हैं और आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है केन स्नेचिंग से संबंधित जो घटनाएं हो रही है, इंसिडेंट्स हो रही है आपके शहर में जिसमें आप रहते हैं उसके बारे में। तो ये 2016 में राजस्थान पीएससी में पूछा गया है, उससे मैं आपको क्वेश्चन को उठाया हूँ। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंसिडेंट्स ऑफ चेन स्नेचिंग, वही मैंने रखा है इंसिडेंट्स ऑफ चेन स्नेचिंग। इसके बाद इस बात का जरूर ध्यान रखना है इंस्ट्रक्शन में कि आपको अगर अपना पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बताना है तो वहाँ पे आप इमेजिन करके कुछ लिखेंगे, और इमेजिन करना भी नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ अपना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही चीज़ लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्लेस और डेट और ऊपर में नाम और जिस पेपर के लिए आप कर रहे हैं, नहीं है कुछ मेंशन तो न्यूज़पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट या रिपोर्टर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे जो शुरुआत किया गया है बॉडी का ओपनिंग कि फ्रीक्वेंट चेन स्नैचिंग, फ्रीक्वेंट मतलब प्रायः, चेन स्नैचिंग केसेज जो है, तो केसेज ही हमारा सब्जेक्ट है, वो रोज रिपोर्ट किया जा रहा है जयपुर राजस्थान में। यहाँ पे देखेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ सच केसेस, सैकड़ों इस तरह के केसेज हैं चेन स्नैचिंग का, वो पहले ही रजिस्टर किया गया है यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, यानी कि ये घटनाएं बार बार हो रही है यहाँ। स्पेशली मैं इमेजिन करके लिखा हूँ कि मैं जयपुर में रहता हूँ तो वहीं के बारे में मैं बताया हूँ। खास करके जो एल्डरली वीमेन हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, वो टारगेट में हैं चेन स्नेचर्स के। ऑल्दो कि एडवांस सर्विलांस कैमराज अवेलेबल हैं मेन रोड पे और जहाँ पे भी बेस्ट सड़कें हैं वहाँ पे, येट फिर भी चेन इंसिडेंट्स आर कॉमन, यानी चेन स्नैचिंग इंसिडेंट, सच इंसिडेंट्स, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बड़ा ही सामान्य है, हमेशा होती रहती है। तो छोटे छोटे सेंटेंस के जरिए मैंने इसको बनाया है। द रेजिडेंट्स आर फोर्स टू लीव देयर लाइफ इन एन एप्रिहेंशन ऑफ रैम्पेंट इन अ ब्रोड डे लाइट इन जयपुर। जयपुर में क्या है कि ब्रोड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही है लूटपाट का, रैम्पेंट मतलब लूटपाट। तो ये भय आशंका में लोग जीने के लिए मजबूर हैं यहाँ के जो निवासी हैं, रेजिडेंट्स मतलब निवासी, एप्रिहेंशन मतलब भय आशंका,
रैम्पेंट यानी कि लूटपाट, और ब्रोड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े। रिसेंटली हाल ही में 16 नवंबर 2021 का एक चेन स्नैचिंग केस यहाँ पे घटित हुआ। टेक प्लेस मतलब घटित होना, द्वारका कॉलोनी, ये इमेजिन करके मैंने लिखा है। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार दो लोग बाइक पे थे, एक गोल्ड चेन स्नैच मतलब छीनना, सोने का चेन छीन के एक महिला से। और कौन समय कौन कब, जब वो महिला अपने घर वापस आ रही थी अपने वर्क प्लेस से उस समय। दिस इज द 7th सच इंसिडेंट विद इन 7 डेज, मतलब 7 दिन के अंदर में ये 7वां इंसिडेंट है, मतलब हर दिन एक घटना हो ही रही है यहाँ पे। अ केस वॉज रजिस्टर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द्वारका पुलिस स्टेशन जयपुर। जयपुर में द्वारका पुलिस स्टेशन है नहीं है आपको पता है, अगर नहीं है तो इमेजिन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है जयपुर। एंड द पुलिस सेड, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है ना ये कोर्ट में भी पेश किया जाता है, पुलिस भी इसको यूज करती है, तो इसमें ऑथेंटिक बातें सिर्फ फैक्चुअल बातें होती है, अपनी बातें कहीं भी देखेंगे ओपिनियन नहीं दिया गया है या फर्स्ट पर्सन को अवॉइड किया गया है आई वी इस तरह से। जयपुर एंड द पुलिस सेड दैट दे वर मॉनिटरिंग, और इस केस के बारे में पुलिस ने कहा कि वो जांच पड़ताल, मॉनिटर का मतलब जांच पड़ताल करना सुजमता के साथ, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं आइडेंटिफाई पता लगाने के लिए, पहचानने के लिए जो आरोपी है उसको। और ऑन द सेम डे, उसी दिन एक और 11:30 यानी कि समय भी लिखना है और जहां घटना हुआ है वो भी लिखना है। अनदर चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हैपेंड, कहां पे हुआ भाई, तो टाइम और जगह जरूर देना चाहिए। एट अ न्यू कॉलोनी नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न्यू कॉलोनी, ये सब इमेजिन करके लिखा हुआ जगह आपको इस तरह से तैयार करना है। द पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस को संदेह है, सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, पुलिस सस्पेक्ट दैट अ पल्सर बाइकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टू क्राइम्स, जो दोनों अपराध हुए सेम डे में उसमें वही लोग हैं। एंड आर लुकिंग आउट, खोजना, लुक आउट मतलब खोजना, फॉर द अक्यूज्ड, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। अक्यूज्ड आर जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स, जो सामान्यतः जो इस तरह के चेन स्नैचर हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, यंग लड़के ही होते हैं, बाइक के साथ वो लूट के भाग जाते हैं। हु फॉलो द सॉफ्ट टारगेट्स, मतलब आसान शिकार, इजी प्रे, प्रे का मतलब शिकार होता है। हु कुड गिव अ लिस्ट रेजिस्टेंस, ऐसे लोगों से सॉफ्ट जो टारगेट वो फॉलो करते हैं, चूज करते हैं, वहाँ से विरोध कम मिलता है। और दे हैव अ लिस्ट फियर ऑफ पुलिस एंड पब्लिक, पुलिस और लोगों का डर है नहीं ऐसे अपराधियों में। वीमेन आर सो स्केयर्ड दैट दे हेजिटेट टू स्टेप आउट फ्रॉम दियर होम्स अलोन इवन फॉर एसेंशियल वर्क, जरूरी कार्य से भी महिलाएं घर से बाहर जाने में हिचकिचाती हैं। तो देख रहे हैं कितना साफ सुथरा अपना लिखा हुआ है, जहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, छोटे छोटे वाक्यों में इसको सजाया गया है। दे फील दिस सिटी नो सेफ फॉर वीमेन, ये उनको ऐसा महसूस होने लगा है कि महिलाओं के लिए शहर सेफ नहीं है। कभी कभी समटाइम्स दे सस्टेन सीरियस इंजरीज वेन दे आर विक्टिमाइज ऑफ चेन स्नैचिंग, जब चेन स्नैचिंग किया जाता है उस समय कभी कभी तो वो लोग सीरियस इंजरी भी उनको हो जाती है जिनको वो टारगेट करते हैं। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स में लिखा गया है, बोला गया है, वर्ड लिमिट, जैसे इसमें 150 वर्ड्स लिमिट होते हैं आरएस में, जनरली स्टैंडर्ड यही माना जाता है रिपोर्ट राइटिंग में, या फिर एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन यू हैव टू एक्सपैंड द वर्ड लिमिट, इट शुड नॉट बी लेस और मोर देन द वर्ड लिमिट मेंशनड इन द इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग आप करें, अलग अलग टॉपिक उठा के कोई चीज़ पे, जैसे है कि आपके मोहल्ला में बहुत इनसैनिटेशन है, ड्रेनेज जो है बहुत ही जैम है, और वहाँ पे पानी जो है रोड पे बह रहा है, मॉस्किटोज़ का प्रॉब्लम है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करिए। मैंने बोला कि ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में जो फ्रिक्वेंटली हो रहा है रेलवेज में, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करें, या आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं किसी खास ऑफिशियल या मिनिस्टर्स उसका बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगले वीडियो मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी इस तरह के वीडियोस बनाए जा चुके हैं।
जैसे देखिए, एक मैंने आपको इसके पहले बताया था, पिछला वीडियो जो था उसमें ये जो क्वेश्चन आया है ये 2018 के था, ये मैंने पिछला वीडियो में कराया था, जिसमें पब्लिक जू के बारे में के पैथेटिक कंडीशंस के बारे में लिखना था, तो इसको भी इसी तरह से तैयार किया गया था। तो एक बार मैं इसको रिव्यू करा रहा हूँ, आप पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएगा। और जो कॉलम है उसके अंदर में ही लिखना है, अगर आंसर शीट में सेल है तो सेल, एक सेल में एक ही वर्ड डालना है, जो एक्सेल का सीट होता है उस तरह से। इस तरह से मैंने बताया था, और इसके पहले एक और मैंने बताया था, इनॉग्रेशन ऑफ यूथ क्लब, ये क्वेश्चन था कि आप न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं, एक रिपोर्ट आपको तैयार करना है, जो फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हुआ है यूथ क्लब का आपके शहर में, उसके बारे में। तो ये इस तरह से था, आप पॉज कर करके तो पढ़िए, देखिए, समझिए, सही है, इस तरह से लिखा था। इसके बाद मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो आप इसको देखिएगा। इंट्रोडक्शन, रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में बताया था, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, टाइटल, सेक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, मतलब फैक्चुअल चीज़ों की जानकारी है, तो आप सैम्पल पेपर से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब अगले वीडियोज़ में मैं आपको कुछ नए जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो राइटिंग का आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगा। आई होप यू मस्ट बी एंजॉइंग दिस वीडियो या दिस सीरीज ऑफ राइटिंग ऑन आस्क्ड इन द डिफरेंट एग्ज़ाम्स, स्पेशली आई एम टारगेटिंग द RS पेपर, RS जनरल इंग्लिश पेपर, सो दैट यू कैन फील ईज इन आंसरिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर रिलीवेंट एग्ज़ाम्स। आप अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है, खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UPPCSJ के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं, इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देके इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं।